शैला, बस वो रमशा की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने बेबी शावर पोस्टपोन कर दिया है। नई डेट रखूंगी ना तो तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी मैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। मैं थक गई हूँ लोगों से झूठ बोल बोल के। अब देख लिया तुमने बीबी को सर पे चढ़ाने का नतीजा? मैंने तुमसे कहा था ना कि रमशा को घर में कैद रखो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। हाँ, वो तो जैसे रुक जाती। याद है मिद्दत ने उसका फोन लिया था, कैसा घर में फसाद किया था उसने। मुझे तो लगता है कि मेरे नसीब में दादी बनना है ही नहीं। पहले वो बांझ बीना और फिर अब ये रमशा। देखो, ये बात बार बार सुनने की मुझ में तो हिम्मत नहीं रही, इसको बस करो। काश ने हाल तुम में भी इतना दम होता कि तुम अपनी बीवी को ये कदम उठाने से रोक पाते, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या चाहती है, क्या करता हूं? गला दबा देता जाके उसका। जान से मार देता आपकी भांजी को। मम्मी, शादी आपने करवाई है मेरी, जबरदस्ती घर आपने बसवाया है मेरा। क्या किया आपने, क्या किया आपकी भांजी ने? जो नुकसान होना था हो चुका है, अब इस तरह जज्बाती होने का कोई फायदा नहीं है। खुद को संभालो नयाल। काश कि मैं आप दोनों को अपना दुख दिखा सकती। पहले मोहब्बत की शादी में धोखा और अब ये खुद सर सिद्धि बीवी जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है।